तो हेलो जी, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, उसके वजह से वो वीडियो अधूरा छोड़ना पड़ा। बट जो बातें अधूरी थी लास्ट वाले वीडियो में, तो हम इसमें सारी बातें क्लियर करेंगे कि मैं लास्ट 2 सालों से क्या काम कर रहा था और मैंने मेरा स्टूडियो कैसे बिल्ड किया और मेरे स्टूडियो में मैंने क्या क्या चीज़ें अपग्रेड की है, क्या क्या है नया। तो वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो या लेट्स गो। तो देखो भैया, बात ऐसी है ना, 2 साल पहले भी मैं वीडियोस डाल ही रहा था, बट अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो मेरे वीडियोस लाइक मोस्टली व्लॉग्स वगैरह ऐसे नहीं थे। मैं पहले व्लॉग्स डालता था, फिर बाद में मैंने पूरा चेंज कर दिया मेरे चैनल पे। जो भी कंटेंट था, मैं मोस्टली ट्रैवल फिल्म्स या फिर इंट्रो प्रोमो वीडियोस ऐसे डाल रहा था। तो उसका फ़ायदा एक मुझे ये हुआ कि मेरे स्किल्स अच्छे से डेवलप हो रहे थे एडिटिंग में, एंड मैं सीख रहा था बहुत कुछ नई चीज़ें। वो टाइम पे कलर में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्टोरी टेलिंग सीख रहा था। मैं स्टोरी टेलिंग भले अभी भी सीख रहा हूँ, एंड वैसे मतलब फिल्म मेकिंग के बारे में धीरे धीरे सीख रहा था, सिनेमाटोग्राफी सीख रहा था। तो इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था चैनल पे, मेरे खुद के कंटेंट पे, ताकि मैं सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में लाइक और आगे जाऊँ और कुछ नया सीखूँ इसी के वजह से। तो उसका फ़ायदा ऐसा हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, एडिट किया था एक रेस्टोरेंट के लिए शेख चिल्ली करके एक है मेरे चैनल पे। तो देखो, दिन अभी भी मुझे याद है, 17 सितंबर 2018। एंड तभी मुझे एक एजेंसी की तरफ से कॉल आया था शाम के टाइम पे, एंड उन्होंने मेरी कॉल पे उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी कि एक स्टार स्पोर्ट्स की लीग है बड़ी, जो कि अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है, एंड मुझे एज अ सिनेमाटोग्राफर अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई थी। एंड मैं लीग का नाम नहीं लूँगा, मैं किस लिए काम कर रहा था, मेरे पुराने फॉलोअर्स को पता रहेगा मैंने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था वो टाइम पे। बट मैंने और हाँ बोल दिया, कुछ सोचा नहीं, मैंने यस कर दिया उनके लिए। अगर मेरी जगह दूसरा कोई रहता वो भी हाँ बोल जाता, क्योंकि वो टाइम पे मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने हाँ कर दिया, एंड नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई नई। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत काम किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने वेडिंग फिल्म्स में काम किया, फिर मैंने कमर्शियल शूट किया, ऐसा मेरा नेटवर्क बिल्ड होते गया वहाँ से। तो 2018 में ये सारे काम होने के बाद मेरा अच्छा नेटवर्क बन चुका था, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने थे। तो फिर उसी दरमियान मैं और मेरा एक दोस्त थे ऋषिकेश, हम पहले से काम कर रहे एक साथ, तो हमने सोचा कि खुद की टीम क्यों ना बना ले। फिर हमने जो हमारे जैसे पैशनेटेड फिल्म मेकर से, एंथुजियास्टिक फिल्म मेकर से, तो उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। फिर हमने धीरे धीरे करके हमारा प्रोडक्शन हाउस बना लिया खुद का। तो इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स बने थे। तो क्या होता था ना, एक टाइम पे हमें 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो हम सारे प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाते थे। तो हमने सोचा कि वही प्रोजेक्ट्स हम हमारे टीम को दे दें तो उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि खुद की एक कम्युनिटी बना ले। तो इसी मोटिव के कारण मैं और मेरा दोस्त ऋषिकेश गोरड़, जो हम दोनों ने मिलके एक कम्युनिटी बिल्ड की फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट की, जिसका नाम है चेजिट फिल्म्स। एंड उसके बाद ही हमें 2-3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। एक उनमें से एक ही हमने, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक है, उनके लिए चेजिट फिल्म ने पूरा वीडियो प्रोडक्शन का काम किया था। तो वैसे ही हम लोग आगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते गए, एंड हमारी टीम और बढ़ती गई इस तरह से। तो पिछले 2 सालों में हमें जितनी भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हम उसको एक्सेप्ट करते गए एंड उसी के ऊपर काम करते गए। तो इन सारे कारणों के वजह से मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब से थोड़ा दूर था, बट नाउ आई फील लाइक बिट सेटल्ड, एंड दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग वीडियो अगेन। एंड आई थिंक आगे भी ऐसे वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, आई थिंक सो। या दैट्स इट। और आगे की वीडियोज़ में हम और बातें करेंगे लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, जर्नी के बारे में, और ऑफकोर्स टू सेटअप के बारे में मेरे, जो कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने क्या क्या बिल्ड किया है, क्या क्या चीज़ें रखी है, जो कि है। तो वही तो ये नीली केबल है, वो मेरे इंटरनेट की केबल है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और यार, और मेरे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, लेफ्ट साइड में भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सामने भी कंस्ट्रक्शन। और पता नहीं भाई, किसी ने तो बकरी लाई है घर के नीचे, वो बकरी मैं कर रही है।